साथियों, आज कलेक्टर के तौर से हम जुड़ रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पे जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है काफी, और आज जब पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है तो उसमें भी इसको लेके विवाद चल रहा है। हम बात कर रहे हैं पेगासस स्पाइवेयर स्नूप गेट का, जहां पे इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा एक स्पाइवेयर पेगासस को डेवलप किया गया, डिप्लॉय किया गया, और दो साल के ऊपर से एक अलग अलग देशों में करोड़ों डॉलर खर्च करके एक ऐसा सर्वेलेंस ऑपरेशन चल रहा है जिसके बारे में हमको पिछले रविवार को ही पता चला है। द वायर और उसके साथ 16 अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसियों के द्वारा ये खुलासा किया गया, और पिछले 3 दिनों में हमने देखा है कि अलग अलग जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट और यहां तक कि 2 कैबिनेट मिनिस्टर और विश्व हिंदू परिषद के नेता भी इस स्नूप गेट में टारगेट किए गए, उन पर जासूसी की गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट को दिमाग में रखते हुए 300 से ऊपर देशवासी से टारगेट किए गए, उनमें से 10 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर का सर्वेलेंस के एक्सटेंट के बारे में भी हम लोग को थोड़ा बहुत पता चला है। तो आज हम इसको लेके बात नहीं करेंगे कि क्या ये सर्वेलेंस हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके ऊपर विवाद है ही नहीं। अभी तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से कोई इसको रेफ्यूटेशन नहीं आया है, किसी ने भी साफ तौर पे नहीं कहा है कि ऐसा कोई जासूसी हुआ ही नहीं या हमने इसको ऑथराइज नहीं किया। बस इतना बोला गया है अलग अलग भाजपा नेताओं के द्वारा कि कोई अनऑथराइज टैपिंग नहीं हुआ है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे कि ये परिस्थिति में सर्वेलेंस को हम किस तरीके से देखेंगे, हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार है इसके ऊपर जो हमले चल रहे हैं इसको हम किस तरीके से समझेंगे, और इसका हमारे जो हम जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं हमारे तरफ से क्या रिस्पॉन्स होगा ऐसे बढ़ते सर्वेलेंस का। तो हमारे साथ 2 ऐसे वक्ता जुड़ रहे हैं जो इस विषय को लेकर काफी चर्चा किए हैं। उनमें से एक ऐसे है जो एक वरिष्ठ पत्रकार है और खुद पेगासस स्पाइवेयर का शिकार हुए हैं, और साथ पौरंजय गुहा ठाकुर हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, और साथ में है प्रसन्ना एस जो सुप्रीम कोर्ट में वकील है और उन्होंने कई ऐसे मामले लड़े हैं जो राइट टू प्राइवेसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज आगे इनके साथ हम बात करेंगे। टुडेज कॉन्वर्सेशन विल बी इन अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, सो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स फॉर द स्पीकर्स प्लीज लीव देम इन द कमेंट्स इफ यू आर वॉचिंग ऑन फेसबुक, or if you're joining us on Google Meet, please leave it in the chat box and we'll take these questions at the end of the session. So we'll dive right in without wasting more time. Pratanna, I'd like to start with you. If you could just, for everyone who's joining today, lay out what we know so far. How was this attack conducted? For how long did it go on? And what was the extent of the breach of data that was taken? Over to you. Thank you very much, Shorya. So I will keep it in English. I'll say that is the language that I am less uncomfortable in. So as we know, I don't want to harbor too much on the facts. I think a lot of our viewers would have by now followed what has happened over the last three and a half days, right? So where we've had a bit of a stirring expose of attempts. Certainly attempts at some kind of snooping, particularly using NSO's Pegasus software, right? NSO is an Israel-based intelligence software provider company. It's a weapons-grade intelligence provider. And that they are subject to export controls of the Israeli Defense Ministry, right? So it is effectively their weapons manufacturer, right? So that's how we have to think of NSO as. So since 2017, I think February, March is when Israel-India relations kind of, took a different flavor than what it had been before that. And that's when the first visit of the Prime Minister to Israel and all of the photos that we saw with Modi and Netanyahu together, that was all during that time, so early 2017. And then there was a return visit the following year in January.
of Rathenia. So it is in between that, at some point that, so India or some of the Indian agencies, it appears that, so there's been a relationship with NSO, right, having bought their software. And we knew, certainly there from the expose that we've had so far, so there have been several journalists, right? So one, at least one Supreme Court judge, at least one election commissioner, that much we know, and several other activists, right? So particularly those that had been working in the districts where Maoism pervades, right? So, and also other constitutional authorities, including more pertinently also opposition MPs, including Rahul Gandhi, who at the time in 2019, so his appears that his attempt at surveilling Rahul Gandhi appears to be at around the 2019 general elections, where he was touted as the principal opposition candidate for prime minister. So this is the expose in short so far. I have kind of left out a lot of details. I think while as we go on, we'll discuss those. But in terms of what is Pegasus and what is the kind of surveillance one can do using Pegasus. So this is a weapons grade surveillance system where it doesn't rely on other interception or decryption related technology, right? So it is not intercepting two communications. So it's not on air sort of interception. It is in effect breaking through, routing your phone, and then taking it and getting access to your phone. The phone does whatever the command and control center that is controlled by Pegasus does. So if that includes switching on your camera, switching on your mic, switching off your camera, switching off your mic, even when your phone is switched off, right? So it is all pervasive and kind of any access to any files or folders within the phone. And certainly there is, it certainly cannot be ruled out that material can also be planted. So in effect, because that's, if the phone is completely under the command and control of the Pegasus servers, so nothing is ruled out really. And it is so deep, all pervasive, which is why we also should not think about Pegasus attacks as any other kind of phone tapping or surveillance, where there is certain precautions one can take, certain digital hygiene one can practice. But this is irresistible. Most of the attacks, for instance, are zero-click attacks, which means the target doesn't even have to click on a link, doesn't have to do anything at all. So the target leaves his phone on, gets an iMessage on his iPhone, and that's it. That is sufficient in order for the infection to take place and all the phone effectively being under the command and control. So this kind of deep, pervasive, intensive and extensive surveillance, right? Because, the reason why we keep saying surveillance, but surveillance really does not do justice to the kind of attack that Pegasus makes, right? Because it is not just, so when we say privacy, I'll bring in some kind of legal dimension here. When we say privacy, we know privacy in correspondence. We know privacy in home and family life, right? But this is privacy, all-encompassing privacy. So it is privacy in personal information, privacy in communication, right? And in general autonomy, right? So everything, anything can be inventively planted on your device. So this goes much beyond privacy, surveillance, and all of the concept that we know already. This is sui generis. This kind of attack is sui generis. We need newer words to describe and understand this kind of attack.
Counts, they are not cabinet ministers. One is a cabinet minister, जो अपना अश्विनी वैष्णव है, और जो प्रहलाद जी है वो जूनियर मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जल शक्ति मंत्रालय में. चलिए आगे बढ़िए. आपने बहुत सारे सवाल उठाया, मैं कोशिश करूंगा संक्षिप्त में आपका एक सवाल नहीं चार पांच सवाल है सबके जवाब में देने की कोशिश करूंगा. पहला बात है ये पुराने जैसे हमला होता है कहीं वकील का चिट्ठी कहीं अदालत का कोई क्या कहते हैं नॉन अवेलेबल वारंट का कोई इंस्ट्रक्शन, इसी तरह नहीं है. जैसे अभी अभी प्रसन्ना वकील साहब ने कहा आपको मालूम ही नहीं था आपके दूरभाष यंत्र मोबाइल फोन के अंदर किसने घुस गया, कोई सॉफ्टवेयर आप क्या सुन रहे हैं क्या देख रहे हैं आपके अंदर कौन सा सूचना है कौन सा व्हाट्सएप मैसेजेस है आप कौन सा वीडियोस है कौन सा फोन है सब कुछ. और आप समझेंगे कि मेरा मोबाइल बंद है फिर भी आपको मालूम नहीं है कि किसी ने आपके सारे बात सुन रहे हैं और आपके सामने जो है. तो एक तरह से जैसे प्रसन्ना जी ने कहा ऑल परवेसिव सुई जेनेरिस एकदम पूरा आपका निजता के ऊपर एक उल्लंघन. साथ साथ और भी मुद्दा है मगर यह है अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और साथ साथ मीडिया का जो स्वतंत्रता है इसके ऊपर और इसका पूरा असर पड़ रहा है भारतवर्ष और पूरा लोकतंत्र के ऊपर. मगर उससे ये सारी बात हम जरूर बात करेंगे उससे दो कदम हट के हम दो चार बात करने चाहते हैं. सरकार अभी तक बहुत सारे सवाल का जवाब हमें नहीं दिया. भारत सरकार क्या सचमुच ये पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा, कौन खरीदा, कब खरीदा, कितना पैसा खर्चा हुआ, क्योंकि ये आपका पैसा मेरा पैसा प्रसन्ना जी का पैसा हम लोग कर देते हैं, वी आर द टैक्स पेयर्स, हमारा पैसा खर्चा करके हमारे ऊपर जासूसी चल रही है, ये पहला बात है. दूसरी बात है कि ये जो NSO है ये आपको हमें वैसे तो सॉफ्टवेयर बहुत ही महंगा है अरबों डॉलर खर्च होगा, आप और हमारे पास भी अगर वो $8 million या अगर होता भी हमें वो नहीं देते क्योंकि हमें सरकारी संस्था होना चाहिए. ये NSO ने साफ कहा और इनका इजरायली जो सरकार है और उसका जो 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 रक्षा मंत्रालय है उनके साथ बहुत ही घनिष्ठ संपर्क है. अच्छा एक और सवाल, ठीक है भारत सरकार कह रहे नो अनऑथराइज्ड इंटरवेंशन या सर्वेलेंस या टैपिंग, तो इसका मतलब ऑथराइज्ड है, मतलब किसी ने अनुमति दे दी, कौन अनुमति दिया, अगर आपका फोन टैप करना है तो किससे अनुमति लेना है, गृह मंत्रालय का जो सचिव है होम सेक्रेटरी उनसे अनुमति लेना पड़ेगा, आपका फोन टैप करने के पहले ही अनुमति लेना पड़ेगा. आपने जो अभी सवाल जो उठाया भारतवर्ष में लगभग 40 के ऊपर पत्रकार है जिसका फोन इस तरह से कॉम्प्रोमाइज हुआ, आप एक मास सर्वेलेंस नहीं है सर, ये आप देख रहे हैं कि टारगेटेड सर्वेलेंस आपको लक्ष्य बनाया गया, क्योंकि ये जितने सारे पत्रकार है सबका नाम अभी तक नहीं आया क्योंकि कुछ पत्रकार अपना नाम सार्वजनिक एक मंच में देने नहीं चाह, फिर भी जितने लोग का नाम आया एक व्यक्ति को छोड़ के बाकी सारे पत्रकार एक तरह से सरकार क्यों कर सवाल उठा रहे हैं, ये गोदी मीडिया नहीं है, इसमें अर्णब गोस्वामी का नाम नहीं, ये ऐसा पत्रकार है जो सरकार से कठिन सवाल उठाते हैं, जैसे अक्षय कुमार जैसे सवाल उठाते हैं, ऐसा नहीं मोदी जी को नहीं पूछ रहे कि आम आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं चूस के खाते हैं, सवाल उठा रहे हैं और एक तरह से पत्रकारिता का काम कर रहे हैं इन लोग, ये विज्ञापन एजेंसी का काम नहीं करते हैं और PRO जो पब्लिक रिलेशंस फर्म्स का काम नहीं करते. तो हमारे देश में लोक माध्यम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस तरह से एकदम सिर्फ सरकार का गुणगान करते हैं, सरकार को सवाल ही नहीं उठाते हैं, तो ये पत्रकार उसमें नहीं है. और आप देखिए राहुल गांधी का जो सामाजिक
ठीक है, दो लोग हैं अलंकार और आपका सचिन राव, ये उनके साथ राजनीतिक उनके साथ सहकर्मी हैं, मगर ऐसे भी लोग हैं जिसके साथ पूरा एकदम सामाजिक संपर्क है, सोशल एक्वेंटेंसेस। उनका नाम इन्होंने जानबूझ के प्रकाश नहीं किया, मगर इनका भी फोन टैप किया गया। प्रशांत किशोर को 2018 से आप उनका फोन टैप कर रहे हैं, फिर उसके बाद जब आप प्रशांत किशोर राहुल गांधी प्रियंका गांधी के पास गया उस समय आप उनका फोन टैप किया। अशोक लवासा जो इलेक्शन कमिश्नर थे, जिस समय 2019 लोकसभा चुनाव का पहले उन्होंने सवाल उठाया कि ये जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, इसका उल्लंघन कौन किया, उसी समय आप उनका फोन टैप किया। ठीक है, आपने प्रवीण तुगाड़ी का नाम लिया, आपने स्मृति ईरानी का, जो भूतपूर्व ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जो राजस्थान का मुख्यमंत्री आपका क्या कहते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया का जो व्यक्तिगत सचिव, इनका भी आपने किया। तो ये टारगेटेड सर्वेलेंस, और मैं आप अगर हमें 2-3 मिनट और समय देंगे मैं अपने बारे में कहना चाहता हूं। देखिए, भारतवर्ष में फोन टैपिंग चल रहे बहुत दशकों से, आरोप लगाया था, वैसे अभी अभी कुछ दिन पहले अशोक गहलोत के खिलाफ आरोप लगा, अंतुले जी का खिलाफ लगाया था, कर्नाटक का मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे को इस्तीफा देना पड़ा एक समय फोन टैपिंग, बहुत सारे आपने राडिया का कॉन्वर्सेशन के बारे में। तो इसमें नया क्या है? नया है ये तकनीक, जो नया सर्वेलेंस और इंटरसेप्शन तकनीक। तो हमें तो आश्चर्य नहीं हुआ कि हमारा फोन टैप, हमें कैसा मालूम पड़ा, एक पत्रकार खोजी पत्रकारिता करते हैं संध्या रविशंकर, उन्होंने आया अचानक एक दिन, हमें बोला तुम्हारे से मिलना बहुत जरूरी है। बोला क्या हुआ? वो चेन्नई से आया तो बोला कि हम फ्रीडम सॉरी फॉरबिडन स्टोरीज के साथ हम काम कर रहे हैं, पेरिस का एक इंटरनेशनल नॉन फॉर प्रॉफिट, एक गैर सरकारी संस्था है, इनका जांच में है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का लैब है, आपका नाम आ गया। अरे बोला वाले बाप ने, तो क्या करने चाहते हो? बोला आपका फोन के सारे डेटा हम चाहते हैं। तो मैं तो डर गया, फिर मैंने बोला नहीं संध्या, तुम्हें मैं विश्वास करता हूं, अगर जनहित में हमें काम करना है हम करेंगे। तो हमें उनको डेटा, सारे हमारे फोन में जितने डेटा था डाउनलोड किया, फिर उन्होंने क्लाउड में डाल दिया। फिर एक बार और फ्रांस से फिनियस रुकट करके उन्होंने लेख लिखा, वो फॉरबिडन स्टोरीज के है, उन्होंने भी किया। फिर 1-1.5 महीना के बाद फोरेंसिक एनालिसिस, उनका जांच होने के बाद, उनका विश्लेषण होने के बाद, हमें बोला कि मार्च अप्रैल 2018 में आपका फोन कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया। बोले कौन किया? मैंने सवाल उठाया कौन किया, बोले हमें मालूम नहीं है कौन किया। तो फिर हमें उन्होंने सवाल किया कि उस समय तुम कौन सा स्टोरी कर रहे थे? तो मैंने कहा हाँ, तो एक तो फेसबुक, भारतवर्ष में फेसबुक के असली चेहरा के ऊपर, एक साल बाद हमारा किताब प्रकाश किया गया, उस समय मेरा काम चल रहे थे, और उसी समय आबिर दास गुप्ता के साथ धीरू भाई अंबानी का विदेशी संपत्ति के बारे में हम लोग एक लंबा लेख लिखा, और वो हमने मुकेश अंबानी जी से सवाल उठाया, मैंने अनिल अंबानी जी से सवाल उठाया, बोला कि जितना हमारे पास सूचना था उनका, उनके पास जवाब नहीं है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। मई 2018 में न्यूज क्लिक में धीरू भाई अंबानी का विदेशी जो संपत्ति है इसके बारे में। तो यही है जो कहानी है, हमें तो पेगासस के तो नाम ही नहीं सुना था। इतवार के दिन रात के समय हमने देखा, हाँ ये पेगासस सॉफ्टवेयर से हमारे फोन को इन्फिल्ट्रेट किया गया, और मैंने उनको अनुमति दिया हमारा फोन जांच करने के लिए, बहुत सारे लोग अनुमति नहीं दिया, मगर मैंने सोचा ठीक है, हम जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में हम ये काम करेंगे। तो आप तो ये बहुत बड़ा, सिर्फ भारतवर्ष, ये मुद्दा सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, सऊदी अरेबिया का जमाल खशोगी को हत्या किया गया, उनका फियांसे, उनका जिनके साथ शादी होने वाले थे, उनका भाई, उनका वकील, मेक्सिको में एक पत्रकार जिसको मार डाला गया था, उनका फोन भी टैप हुआ था। तो ये हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, कि जानबूझ के
इतवार के दिन रात के समय हमारे मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुरू होने के पहले ही लीक किया। अरे बाबा, ये 17 संस्था है, ये 45 देश है, कि ऐसा टाइमिंग क्या हो सकता है? तो ठीक है, 180 पत्रकार जिसके फोन टैप किया गया उसमें मैं भी एक हूं, मगर मैं तो सिर्फ पत्रकार है, कितने राजनेता है, कितने सारे लोग हैं। हाँ, थैंक यू फॉर शेयरिंग वो जो लिंक आपको मिल गया, ठीक है, थैंक यू। सॉरी, मैंने थोड़ा लंबा बात किया, मगर मैं अपना व्यक्तिगत जो हमारा कहानी ये भी मैंने डाल दिया। बिल्कुल, मतलब आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, वो भी हम लोग जो पीछे से दूर से देख रहे हैं इसको, उसको समझने में भी मतलब इंटरेस्ट होगा लोगों को कि कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो अभी भी पब्लिक इंटरेस्ट में लिखे जा रहे हैं, और 180 के ऊपर शायद जर्नलिस्ट है इस लिस्ट पे ग्लोबली, उनमें से 40 से 180 वर्ल्ड वाइड 45 देशों में और भारत वर्ष में 40 के ऊपर एग्जैक्टली। तो अभी भी गोदी मीडिया का इतना हावी होने के बावजूद भी इतने सारे पत्रकार लिख रहे हैं, और वो सरकार के लिए एक तरीके से चुनौती पैदा कर रहे हैं, ये बात साफ हो रही है इस टैप से। और आपने बाकी रॉयटर्स और वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट के बारे में भी आपने मेंशन किया, और इसी हफ्ते हमने दानिश सिद्दीकी को भी खोया है जो तालिबान के एक टेररिस्ट हमले में शहीद हुए। तो इस तरीके के बहुत सारे जर्नलिस्ट आज भी हमारे देश में काम कर रहे हैं और लोकतंत्र मूल्यों को बचा के रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनके संघर्षों को सलाम और उनके आवाज और बुलंद हो, ये हमारी अपेक्षा रहेगी। नाउ कमिंग बैक टू सम ऑफ द मोर लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस मैटर, प्रसन्ना, यू मेंशन दैट दिस इज नॉट जस्ट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 व्हिच इज अबाउट द राइट टू प्राइवेसी, and you yourself have been involved in a matter such as this before. So I think now it's a matter of counting the number of laws that have been broken to carry out a technological breach of this nature. And as Paranjoy sir also mentioned, that there are already certain provisions on how a tap can be authorized. So if you could touch on some of the existing laws that may have been violated for such a breach to take place, as well as what are the kind of protections which we need to be strengthening in today's technological scenario. Yeah, sure. Yeah. I mean, if with all due respect, I think we are asking the absolutely incorrect questions at this point. So this is no longer, it's now, we've now transcended law, violation, like reform, what is the reform that can be given, etc. I think those completely, they're taking the focus off the enormity of what is before, right? So it is not a question of transgression. It is a question of, you know, there are no lines to be transgressed at all. It is as if the state does not see any lines that which week it can then decide whether to transgress or not at different cases. So what has happened here before? I mean, we need to, one, so what are the institutions that are markers of a modern democracy? Right? Free press, independent judiciary, right? An independent autonomous electoral body, right? And then federalism, right? So where the states, and then, you know, there is safety in numbers. So you have a collective, so responsibility of the cabinet. Each one of these has been hacked, right? In effect, what we are seeing is that the journalists, so many journalists, including Paranjoy ji, right? So their phones have been attempted to be hacked. And we have one of the election commissioners, one of the Supreme Court judges, or at least one of the Supreme Court judges. We also have one deputy chief minister of a state. Right? So if you look at each one of those markers that we take as, you know, markers of a modern democracy, they've been attempted to be subservient to the election, to the central executive. Right. So that is in effect what is coming. So this is not going to be... You can do as many reforms as possible. If there is a government that says that doesn't look at any of the lines at all for transgressions, it is not going to happen. So that is why I think it is important that we normalize this talk
of getting the government to resign. I think that has to happen as the number one. That has to be focused. I think there is lots of people are focusing on the wrong things, like, okay, what is this? Is this surveillance reform? Whether we need judicial warrants before surveillance can be undertaken, or whether there has to be a parliamentary committee that scrutinizes all Home Secretary decisions. See, all of these procedural mumbo jumbo, I think, can wait. I think this is a case, particularly because if it is a case where the government has denied unequivocally of ever having used Pegasus or ever having targeted the numbers that are being reported to have been targeted, right? Then we can look at, okay, probe as to whether there are rogue elements within the government that have acted independently outside. But no, from the highest level, what we are seeing is that there is no unequivocal denial. Precisely. What is a probe? The government is neither confirming nor denying. So there is no denial. So unless there is a denial, if there is somebody reporting something and there is a denial, then we can look at probe as to find out okay, what. There is no probe that is required. So it is the case where the government does not deny having targeted these many people and using a software like Pegasus. If that is the case, the first thing that we must ask is for the government to move. Right, so that's not as a lawyer, as a layperson, because you cannot have a government. See, look at the harms that will come up if the government is allowed to get away, having hacked so many markers of a modern democracy, so many different institutions that had to act as a check against the central executive. Look at the precedent that it will set for any future executive. Right, so that is something that we have to keep in mind. Therefore, I mean, I'm being invited as a lawyer, quote unquote. But unfortunately, I think my duty as a citizen is now more paramount than so. Therefore, I must add myself to the chorus of demands that this government must go. That has to be the number one. So it is after that we may actually try and suggest, okay, if there is a reform that is required, etc. But if this is the case, particularly when the government is stonewalling and not denying anything, our first focus has to be. Yes, I mean, the opposition must be persuaded to bring in a no-confidence motion. And in the no-confidence motion, there has to be, all our politicians will have to, because otherwise, see, already we've seen that parliamentary processes have been reduced to being a shell. Right? We saw with what happened with the farm bills, for instance, that even the basic minimum of division vote was not granted to the Rajya Sabha. Right? If that is the case, now if you look at even opposition MPs being surveilled by the government, to carry on without consequences. Imagine what is effectively a shell, it won't even remain a shell, it will be less than that. So that's something that we need to be wary of, and therefore our first thing should be, it is to persuade the opposition to say, if, and certainly even among other cabinet ministers within the BJP, right? So this is not a time for party politics at all. And Prasanna, the man who is heading the Ministry of Electronics and Information Technology, he is the minister, he's also the railway minister, but he's the minister in charge of that ministry, and his phone too was tapped earlier. I mean, this is truly amazing. Right. So, yeah, so cabinet colleagues, I mean, collective responsibility is among the things. So it is, if cabinet colleagues' phones are tapped, so that's something that for MPs within the BJP also to take note. This is not a question of, you know, party politics anymore. It is the question of whether we will have a polity as designed in the constitution at all, or we just have some kind of a veneer of it, and then everybody has a chalta hai about it, right? So that's something we need to think about. Can I ask Prasanna a question? Prasanna, mera ek sawal hai aapse. कानूनी तरह से कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ कर सकता हूं, आई एम अ विक्टिम. हम दो दिन पहले, एक दिन पहले, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है RSF, रिपोर्टर्स ऑन फ्रंटियर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उन्होंने एक ये सामाजिक माध्यम में, सोशल मीडिया में, ये ट्विटर में बोला कि हम लोग सोच रहे हैं कि कोई कानून, कोई लीगल एक्शन हम ले सकते हैं कि नहीं. मालूम है कि फ्रांस में वहां का एक इन्वेस्टिगेशन, एक जांच, एक जज इस विषय के ऊपर जांच करेंगे, तो लीगल एवेन्यूज क्या है, कोई कानूनी रास्ता है, आर देयर एनी लीगल ऑप्शंस
in this regard. So, of course, specific advice, certainly we can have it offline, Paranjoyji. But in general, in general, as I say, I'm afraid that we may not have as yet enough material to go to courts right away. Right. So it is still, I mean, I won't say it is in the realm of conjecture. There is a lot of suggestive evidence, but that is not sufficient for a court to take notes. So we can certainly ask the court to summon files and all of that. See, look at that, whether really there was satisfaction for the Home Secretary that Paranjoy Guha Thakurta was a threat to national security, whether there is enough material, etc. That can be scrutinized. But our courts have in general been loath to doing that kind of strict scrutiny. Right. So we've seen that in several cases now. It's theoretically possible, but I suggest that the solution at least has to come politically before it can be taken. That's the key takeaway from Prasanna. The government must go. That can be a central slogan at this moment when we know what the Pegasus scam was doing. And we know from history that in the United States of America, we had the Richard Nixon government falling for a much smaller snooping operation, the Watergate scandal, as we know today. So definitely to demand a political alternative to a regime which taps on the phones of more than 300 citizens and targets them with a huge machinery. But I'd like to come to Paranjoy on this point. It's clear that we are not dealing with a normal government. We are dealing with a fascist government. And that's why today's talk is titled Fighting Attacks on Our Fundamental Rights. A government which, like Prasanna mentioned, has been consistently attacking the constitutional aspirations and ideals of the country. So, Paranjoy sir, aapne iske pehle aapne bataya ki the real face of Facebook in India naam ke kitab bhi aapne likha hai, aur iske pehle bhi RSS BJP ka jo surveillance regime hai ek tarike se, ya jo unka IT cell kaha jata hai, iske upar aapne kaam kiya hai. तो आईटी सेल सुनके लगता है कि शायद कुछ लोग होंगे जो बस ट्विटर पे फेक अकाउंट बनाते होंगे और बस कमेंट करते होंगे कुछ एक तरीके से. लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीजेपी का आईटी सेल इजराइल के साथ जुड़ा हुआ है, करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करके, हमारे और आपका पैसा खर्च करके अपना सर्वेलेंस भी चला रहा है, बिग डेटा टेक्नोलॉजी यूज करके लोगों को टारगेट कर रहा है, सर्वेल कर रहा है. तो आपको क्या ये जो पेगासस का जो एक्सपोजर हुआ है, क्या कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस के ओवरऑल सर्वेलेंस और टारगेटिंग के रेजिम में ये कहां पे फिट हो रहा है? क्या आप इसको एक कॉन्टिन्यूटी में देखेंगे या इसको एक अलग इसमें देखेंगे? देखिए, ये सवाल का जवाब आसान नहीं है. पहला बात है कि हमें मालूम ही नहीं है कि सचमुच भारत सरकार ये सॉफ्टवेयर लिया कि नहीं. जैसे प्रसन्ना अभी कहा, वो हां भी नहीं कह रहे ना भी नहीं कह रहे. समझ लीजिए, आप मेरा पैसा खर्चा करके ठीक है मेरे ऊपर जासूसी कर रहे हैं, तो ये कौन सा संस्था है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, में और कोई संस्था? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो सवाल आता है कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, कौन दुरुपयोग कर रहे हैं? तो सचमुच ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कुछ लोग इसको मिल गया, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं? ये सारे बहुत बड़े बड़े सवाल है. सिर्फ हम इतने हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो बड़े बड़े जो डिजिटल मोनोपोलीज है, इनका तो दुरुपयोग हो रहे हैं, इनका दुरुपयोग बहुत साल से हो रहे हैं. आप देख रहे हैं कि आपका सरकार थोड़ा कमजोर हो गया, बंगाल में आपने चुनाव हार लिया, कृषक का आंदोलन में लोग आपको आपके खिलाफ बहुत कुछ कह रहे हैं. आपका कोविड, जिस तरह से आपने कोविड और वैक्सीनेशन का नियंत्रण किया, लोग कर रहे हैं, बहुत टिप्पणी किया, आलोचना कर रहे हैं. तो अचानक सोशल मीडिया भी खराब हो गया, आपने नया आईटी रूल्स बना दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स. आप ट्विटर के साथ आपका झगड़ा चल रहा है, आप बीच में अदालत में इन लोग सब चले गए, व्हाट्सएप चले गए, और अदालत में पता नहीं कितने दिन लगेगा ये समस्या का समाधान होगा कि नहीं. और जो मंत्री ये सब किया था वो तो उनको हटा दिया गया,
अभी ये अश्विनी वैष्णव जी को ले आया। तो देखिए, राजनीति से हम दूर हट नहीं सकते, मगर कैसे इसका, पहले तो इनको मानना ही पड़ेगा कि कौन ये इस्तेमाल कर रहा है। तो सरकार इस समय एकदम कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है, एकदम इट इज इन अ स्टेट ऑफ डिनायल। तो हमें मालूम नहीं है कि अगर सब विरोधी दल मिलके कहेंगे कि हाँ हमें जेपीसी का जरूरत है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, अगर सरकार मानेगी नहीं। आप देखिए, राफेल के मुद्दे में भी मांगा था, फिर किसान का जो आंदोलन चल रहे उसके बारे में भी सरकार माना नहीं। तो इस तरह से एक निष्पक्षता से कौन जांच करेगा? आज आप देख रहे कि भीमा कोरेगांव केस में किस तरह से शोना विल्सन, और जो आज हमारे साथ नहीं है, 84 साल उम्र का फादर स्टैन स्वामी, इनके सारे कंप्यूटर के अंदर मैलवेयर किसने डाल दिया, और इनको आपने दिखाया कि ये देश हित में काम नहीं कर रहे, देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ये भी सवाल उठा रहे कि ये जो इंडियन पीनल कोड का जो 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 ये सेडिशन लॉज है, इसको रहना चाहिए कि नहीं, जो 100 साल पुराने हैं, 100 साल से ज्यादा पुराना है, जो जो ब्रिटिश महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ इस्तेमाल किया। तो देखिए, ये सबके साथ बहुत कुछ मुद्दा जोड़ जाता है। जैसे प्रसन्ना ने कहा, ये सिर्फ प्राइवेसी नहीं, और प्राइवेसी के बारे में आपने डेटा प्रोटेक्शन बिल कितने दिन चलेगा, कब तक होगा, कौन से समिति देख रहे हैं? आप तो श्री कृष्णा समिति जो जो चाह रहे थे उसका तो बात आपने माना नहीं, पूरा वो पूरा बिल आपने वो कमजोर कर दिया। तो एक तो है प्राइवेसी, निजता, दूसरी है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपका जो जो हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता है, और इसके साथ जुड़ा हुआ है कि मीडिया का भी स्वतंत्रता, और आज इससे भी बड़ा हो गया, और पूरा विश्व में लोग इस विषय के ऊपर आलोचना कर रहे, जितना सरकार कोशिश में लगे हैं कि हाँ ये भूल जाइए और कुछ हम बात करेंगे, अटेंशन और कहीं तरह से ले जाने की कोशिश है। मैं समझता हूं ये मुद्दा इतना आसान से जाएंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे देश के सिर्फ मुद्दा नहीं है। हम देख रहे हैं हंगरी में क्या हुआ, सऊदी अरब में क्या हुआ, और अलग अलग देशों में ये जो सॉफ्टवेयर का किस तरह से दुरुपयोग हुआ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आज लोग कह रहे थे हमारा फोन एप्पल का फोन है, आईफोन है, हमने सोचा बहुत इसमें सुरक्षित है, फेस टाइम में अगर बात करेंगे कोई पकड़ नहीं पाएगा। आज हमें मालूम है कि पेगासस फेस टाइम के बाद भी सुन सकते हैं, सिग्नल सुन सकते हैं, टेलीग्राम सुन सकते हैं, आप गूगल मीट भी दिखा रहे हैं तो वो तो सब पढ़ सकते हैं, जूम भी पढ़ेंगे, आपका स्काइप भी पढ़ सकते हैं, जिट्सी भी पढ़ सकते हैं। ये नया एक कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक नया सिस्टम है। तो जो बड़े बड़े अमरीकी संस्था है, जैसे एप्पल, जैसे व्हाट्सएप, मतलब फेसबुक, उसके एक ही संस्था है, इन लोग के ऊपर आप हमारे सरकार कुछ कहा, मगर व्हाट्सएप के साथ एनएसओ का एक मामला चल रहा है, केस चल रहा है अमरीका में। तो किस तरह से ये जो मुद्दा है पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा, और इसका असर हमारे देश में जरूर पड़ेगा। हम अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं ना, वी कॉल आवरसेल्व्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। आप देखिए इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी किस तरह से हमारे सत्ते में जो है, किस तरह से आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ साल से कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। इसी बात पे आई थिंक मतलब वापस उसी पे आ रहे हैं कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो ये नॉर्मल से बाहर जा रहा है। मतलब ये कोई सिर्फ लीगल बात नहीं है, कोई निजी बात नहीं है, कुछ दो लोगों की या 200 लोगों की बात नहीं है, ये उससे बड़ा एक चीज बन गया है। और कहीं ना कहीं हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकारों का एक पुराना एक लड़ाई रहा है, वो डेमोक्रेटिक राइट का स्ट्रगल है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। और आपने सही बोला कि पिछले मतलब अभी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक तरीके से बचाने का एक
सवाल बन गया है, क्योंकि अगले साल हम अपने आजादी का 75 साल मनाएंगे, तो 75 साल बाद हम किस तरीके का देश देखना चाहेंगे? जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी उसमें जो आकांक्षाएं थी, सपने थे, वो कहीं ना कहीं पीछे चले जा रहे हैं, तो उसको बचाने की एक लड़ाई बन गई है। तो इसी बात पे मैं थोड़ा इस डिस्कशन को थोड़ा और अगर एक्सपैंड करने का कोशिश करूंगा, पौरंजय से ही अगर आप थोड़ा इसको और विस्तार करें, आपने थोड़ा इसको अपने आखिरी इस पे टच किया, लेकिन ये तो एक इंटरनेशनल चीज बन गया है, वॉशिंगटन पोस्ट और गार्जियन और अलग अलग सब मीडिया हाउसेस के पीछे लगे हुए हैं, और इसके बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इंप्लिकेशंस भी होने वाले हैं। हम जानते हैं कि इसराइल से एनएसओ ग्रुप आया है, और हालांकि वो एक प्राइवेट कंपनी है, उसका स्टेट के साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, और ये ऐसे कुछ देशों को बेचा गया जैसे सऊदी अरेबिया उनमें से एक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उनमें से एक है, और हमारा देश उनमें से एक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप इसका क्या रिपरकशन देख रहे हैं, मतलब ये जो अभी खुलासा हुआ है, अगर पौरंजय इस पे अगर आप थोड़ा दो बातें। देखिए, मैं समझता हूं ये जल्दी में खत्म नहीं होगा, क्योंकि अभी भी सूचना आ रही है। आज भी कुछ सूचना आया कि मोनसेंटो का एक संस्था, उनके लोगों के ऊपर भी जासूसी हुई। मोरक्को का राजा, द किंग ऑफ मोरक्को, और भी हम देख रहे हैं कि और भी कहां तक पहुंचेगा हमें मालूम नहीं है, मगर अभी तक जितना भी मालूम है लोगों को, और एनएसओ डिनाई कर रहे हैं बार बार। एनएसओ क्या कह रहे हैं? एनएसओ कह रहे हैं कि हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर है, हमारे जैसे पेगासस है, ये लोग, ये जनहित में हम काम करते हैं। किसी बच्चा को अपहरण कर लिया, हम उसको मोबाइल फोन से देख लेंगे। कहीं एक मकान गिर गया तो मकान के नीचे अगर कोई लोग अभी भी बचे हुए हैं, उनका मोबाइल हम टैप कर लेंगे। कहीं कोई ड्रोन आके हमारे देश का जो हवाई जहाज या लड़ाकू विमान को किसी तरह से उसको इंटरसेप्ट करेंगे, तो वो हम डिटेक्ट करेंगे। पीडोफाइल्स, ड्रग ट्रैफिकर्स, जो नशीली वस्तु का व्यापार है। मगर आप क्या समझते हैं, आप एक बार किसी को बेच दिया एनएसओ ने, आपका क्या उसके ऊपर क्या कंट्रोल है? जे आम नागरिक को, विरोधी दल का नेता को, कोई सामाजिक कार्यकर्ता को, कई सरकारी अधिकारी को, आप देखिए जगदीप छोकर जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का को फाउंडर, उनको जासूसी किया। आप देखिए डॉक्टर गगनदीप कांग जो वायरोलॉजिस्ट है, ठीक है, उन्होंने कुछ सवाल उठाया सरकार के आंकड़ा के बारे में, उनको भी आपने टैप कर लिया, तो कोई बाकी रह गया? ठीक है, आप प्रवीण तुगाटिया का नाम हमने किया, और भी बहुत सारे नाम, ममता बैनर्जी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसका नेफ्यू जो है, भाईपो जो है अभिषेक, उनका नाम लिया गया, प्रशांत किशोर का नाम लिया, पता नहीं और कितने लोगों का नाम आएगा। तो ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, एंड वी विल बी वेटिंग फॉर मोर। प्रसन्न, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस? आई मीन यू ऑलरेडी मेंशनड सम ऑफ द लीगल मूव्स दैट आर बीइंग टेकन विद रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फॉर एग्जांपल, एंड लाइक यू आर राइटली सेइंग द स्टोरी इज फार फ्रॉम ओवर, वी आर वेटिंग फॉर मोर रेवलेशंस टू कम आउट एंड टू सी वेयर दिस लीड्स अस, दिस इन्वेस्टिगेशन दैट हैज जस्ट किक्ड ऑफ नाउ। So, are you seeing any kind of a move internationally also outside the question of just our borders to tackle this new technological surveillance regime? Yes, so that has to happen. I think there is a significant movement towards, you know, trying to control this kind of cyber warfare industry. Right, so that's something that we need to take care of. That's an international movement. That is a slightly medium to long termish sort of effort, much like how, and see, the problem now is that, see, the international institutions are as weak as our democracy now, that it is very difficult to get some kind of consensus like it was possible during immediately after the post-war, late part of the last century. It was much easier to get these kind of conventions going. In order for us to be able to get that now, it is a bit of an effort. I believe that effort has now begun. It needs to happen, but I think it's not going to be in place anytime soon. Right? In the meanwhile, as I said, so one thing that I want to go back is this demand for a JPC.
right? So there is the opposition are demanding a joint parliamentary committee probe, and I just can't understand, fathom what it is they want to probe now, right? So are they really going to suggest that, okay, so if, for example, if the government comes and says, yes, we have papers to suggest Tarun Joy, Rahul Gandhi, one Supreme Court judge, one election commissioner are all national security threats. Let's assume they have the papers for that. What do we still take that in the face value? What can a probe can only uncover if there are papers, right? If there is material that the decision was taken on. The material is created. So are we going to accept that material? No. So I think for political action now, there is enough material already. Right? There is no denial by the government for having engaged NSO. There is no denial by the government for having selected these targets, right? Otherwise, that unequivocally that would have come, right? So no, at least they could have said that, no, this list of targets should not be ours. At least so much they could have said that. All that has not happened, right? So the political action to begin, we have enough material. PC it is basically buying government more time. That is unnecessary. I think the action has to happen now, and that kind of immediate action has to also happen in other countries. So perhaps that's what we'll see. Right? As other countries start taking action, perhaps it'll come up here. Prasanna, France has already started an official investigation by a judge. It is a little bit of a softball for France because the government itself does not appear to be implicated in it. It is another foreign government that is implicated. So it's a. I know, but you also have a former president of France, Macron, whose name has appeared. That his phone was also tapped. Yes. Yes. So therefore, France government is not implicated. Therefore, it's a softball for France. They can commence any investigation. In our case, it appears that the government, at least, either the central government or other state governments, but it appears from the conduct of the central government, it may very well be the central government that is implicated. No, you know, we also have information that the Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel has said some people from Pegasus came to Chhattisgarh, but while his predecessor Dr. Raman Singh was the Chief Minister, and we have to find out who these guys were. So I mean, there's a lot happening. I don't know finally where it'll all end. Right. And quickly, if anyone in the audience has any questions, maybe we can take the next 10 minutes to end with a few questions from the audience also. So please write that in the chat box. If you are on Facebook, comment. बस आखिरी एक इस पे खत्म करने के लिए पौरंजय सर, आपने इससे पहले भी हमारे देश में पेड न्यूज को लेके काफी कुछ लिखा है और जर्नलिज्म का पॉलिटिकल इकोनॉमी लेके आप लिखते रहे हैं, तो अभी ये जो खुलासा हुआ है, हम पिछले कुछ दिनों में देखे कि जो मेन स्ट्रीम कॉर्पोरेट मीडिया है उसके ऊपर भी हमला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेके एक चुप्पी बनी हुई है। यहाँ तक कि वायर में एक रिपोर्ट आया है कि एक्चुअली जो नेशनल सो कॉल्ड मीडिया है, जो इंग्लिश मीडिया है, उसमें कवरेज कम रहा है। जो वर्नैकुलर प्रेस या जो अलग अलग रीजनल मीडिया है उसमें ज्यादा कवरेज रहा है। तो ओवरऑल ये जो मीडिया पे खास करके हमला हुआ है, इस कॉन्टेक्स्ट में आप अभी जो एक चुप्पी बनी हुई है इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं वापस जा रहा हूं जिस एक मुद्दा मैंने पहले भी बताया, अगर ये 40 के आसपास जो पत्रकार जिसके ऊपर जासूसी किया या पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके दुरुपयोग करके एक व्यक्ति को छोड़ करके बाकी सब लोग गोदी मीडिया में नहीं है, मतलब वो अच्छे पत्रकारिता करते हैं, सवाल उठाते हैं, जांच करते हैं, खोजी पत्रकारिता करते हैं, मगर बाकी जो मीडिया है आप तो जानते हैं पहले से सिर्फ सरकार का गुणगान ही कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे। तो एक तरह से हमारे एक मजेदार व्यक्ति है, देशभक्त करके अपने YouTube चैनल चलाते हैं, वो बोला बहुत लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि हम कौन सा पत्रकार, इतने पत्रकार है, इतने वेबसाइट्स है, इतने अखबार है, हम कौन सा पढ़े। तो उन्होंने ये पेगासस को धन्यवाद दे दिया कि आपने अच्छा लिस्ट बना दिया, तो लोगों को अभी मालूम है कहाँ जाना है। तो देखिए, अभी भारतवर्ष का पत्रकारिता तो वैसे भी
बहुत ही क्या बताऊं, भारतवर्ष के इतिहास में पहला बार वो आप अगर आपातकालीन इमरजेंसी का समय अगर आप छोड़ देंगे, ये पहला बार इतने बड़ा हिस्सा पूरा सरकारी हो गया और इस तरह से आज नहीं लगभग 7 साल चल रहे। इमरजेंसी तो आपका 21 महीना रहा, उस समय पत्रकार को जेल के अंदर डाल दिया, ये तो न लिख के अनस्पोकन न कह के एक आपातकालीन स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, मगर सरकार तो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। बार बार कह रहे कि हमें कुछ हमने गैर कानूनी काम नहीं किया, नो अनऑथराइज्ड, जस्ट बाय हैविंग अ लिस्ट डजंट मीन वी आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, तो यही करेंगे मेरा लग रहा है, तो सफल होगा कि नहीं पता नहीं। मगर देखिए जो मध्य वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लासेस, उनके ऊपर तो असर पड़ेगा, मगर क्या असर पड़ेगा आम आदमी, आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो हम वोट देते हैं, जो मोदी जी को वोट दिया, उनका ऊपर कुछ असर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव का पहले कुछ असर पड़ेगा, ये सारे विषय के ऊपर अभी भी कहना मुश्किल है। प्रसन्ना, थैंक यू फॉर द सजेशन। Yeah, for everyone who joined on Facebook, Prasanna has just requested if Foranjoy could join us again in the future for another lecture on the history and the present state of the Indian media, which from Collective we would be more than happy to host and have Foranjoy for again. But I think, and if Foranjoy agrees for something like this in the future, we definitely... नहीं सॉरी, तुमने वो paid news का बात किया, ये कब का? मैं जब भारतीय प्रेस परिषद में थे, ये रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, ये कब का रिपोर्ट है? ये 2000 अभी 2010 हो गया, 11 साल हो गया पहले, उस समय ये साफ हो गया कि हाँ मीडिया तो माने क्या विज्ञापन है और क्या खबर है, इसका कोई आज फर्क नहीं है, क्योंकि सब गैर कानूनी तरह से घूस खा रहे हैं, और चुनाव के पहले जब ऐसे घूस लेते हैं लोग, और तो इसका असर पड़ता है चुनाव व्यवस्था के ऊपर भी, और आज हमें एक और इसका प्रतीक हम देख रहे हैं, एक और मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं कि कर्नाटका में मई 2018 में जब कुमारस्वामी का सरकार गिरा के येदियुरप्पा का सरकार आया था, उस समय भी ये पेगासस सॉफ्टवेयर का माध्यम से जासूसी किया बहुत सारे वहां के लोगों के टेलीफोन के ऊपर। ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट, वी हैव बीन हैविंग दिस कन्वर्सेशन, सो दिस कन्वर्सेशन हैज बीन गोइंग ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, सिंस वी डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, आई थिंक वी कैन रैप इट अप ओवर हियर टुडे। लेकिन एक जो बात बार बार इस चर्चा में आई है आज, वो है कि ये कोई टेक्नोलॉजिकल सवाल नहीं है, सिर्फ कानून की सवाल नहीं है, लेकिन ये आज एक राजनीतिक चुनौती है, और जैसे फोरंजय सर ने अभी बताया कि ये पेगासस जैसा मुद्दा आम नागरिक को किस तरीके से अफेक्ट करेगा और इसका क्या विकल्प आम नागरिक दे पाएगा, ये आई थिंक आज भी हमारे लिए एक इट्स एन ओपन क्वेश्चन दैट वी विल हैव टू डील विद इन द फ्यूचर, बट आई थिंक वी ऑल्सो गॉट सम inklings on how we can build this struggle ahead. Prasanna mentioned the series of anti-people laws being brought in by the RSS-BJP regime, which has met a fierce opposition. And as Foranjoy sir mentioned, we have the UP elections coming next year. So in the year ahead, how we link up all of these emerging exposes with the question of democratic rights of toiling people, ordinary people, and make it a popular issue is something that we now have to think of now that we have these revelations. I remember when Prasanna was on last time when we were discussing the National Digital Health Mission and the data policy for that, there also he had mentioned that it's brick and mortar struggle which will confront these technological attacks. And I think that's the message once again with renewed vigor we need to be investigating and building forward. So with that, from Collective and I think on behalf of everyone who joined today, I'd like to thank both the speakers, senior journalist Foranjoy Guha Thakurto
and Advocate Prasanna S, practicing in the Supreme Court, for giving us their time. And hopefully we'll have more such discussions like this in the future. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So we'll end today's live over here on that note. Please follow this page for more such discussions. And on behalf of Collective, let us pledge that as we move into the 75th year of independence, to renew our struggle for the nation that Shaheed Azam Bhagat Singh, Savitribai Phule, and so many revolutionaries dreamed of, for the independence that they fought for, and towards a free university, towards a free society. That we end. Thank you. Life khatam ho gaya hai. Once again, everyone who joined, thanks a lot for giving up your time.